मिठाई लेने के लिए आते थे। मथुरा में महाराज जी वहाँ पर क्या करते थे, हर घर घर से जा जाकर कीर्तन करते करते चाव चाव समझती हो, जैसे स्वागत, जैसे कृष्ण जन्म हुए, राधा रानी जन्म हुई, सब ब्रजवासी सब अलग अलग वस्तु लेकर के स्वागत करने के लिए आते थे। इसलिए हम यहाँ कोशिश करेंगे, यहाँ तो रथ यात्रा करने नहीं दे रहे, सरकार से ऑर्डर नहीं आ रहा है। हाँ, उन लोग कुछ कर रहे हैं, हो रहे हैं, अरे उसमें तो लोग नहीं होते ना, हमारे बहुत सारे लोग हो जाते हैं। इसलिए देखो हम ये करेंगे, इधर आ जा, अरे बोल रहे बोल रहे हम लोग सब घर घर में जाएंगे, एक लाइन बना देंगे, इनके घर से इनके घर, इनके घर से इनके घर, कीर्तन करते करते जाएंगे। ठीक है, अभी बैठ करके हम देखेंगे वो तो किसका घर कैसे पड़ता, जैसे एक इसको चलते चार्ट बना, चार्ट है और उसमें कुछ सजा करके, अरे टोकरी 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 हाँ देख लो, टोकरी होते हैं ना उसमें जैसे सब लोग एक के दो होगा तो देख लेंगे, कल आज शाम को बात बैठ कर बात करेंगे। राधिका हुई तदाई कृष्णाय कृष्ण भक्ताय पंचाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिंधुपाणिभ्यः पतितानं पावनेभ्यः आनन्दलीलामनुग्रहाय हिमावतीभ्यश्च विश्वेश्वराय तस्मै महाप्रेमरसप्रदाय चैतन्यचन्द्राय नमो नमस्ते। हे कृष्णकरुणासिन्धौ दीनमन्दोपेशपितापन्थ राधकन्त नमस्ते। कञ्चनगौरङ्गिराधे नमस्ते कृष्णभानुसुते तवादिदेवं करुणानिधानं तवानुकरणं स्वीकारताय अपार संसार समुद्र सेवितः अजामहे रघुवंशीयतां दैपायनो विरहकातरयाजुहाम पुत्रेति तन्मयतया तरोऽभिनेता त्वं सर्वभूतहृदयं कृष्णभक्तिप्रदे श्रीकृष्णचैतन्यप्रभुभक्त हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे सर्वग्रस्तपरमा जगद्रीलाष्टिपादस्तुशिक्षापन करी आज कई दिन से हम लोग भागवत की कथा श्रवण कर रहे हैं, ये जो कथा हम श्रवण कर रहे हैं
और भगवान या भागवत प्रति संभव नहीं है। बहु बहु जन्म की जब कुछ भागवत उदय होता है तब कहीं जाकर कैसे सत्संग प्राप्त होता है और सत्संग के माध्यम से भगवान की कथा सुनने की सौभाग्य होती है। इसलिए शास्त्र में कहते हैं संसार में सबसे बड़ा दुर्लभ वस्तु क्या है। हम जैसे समझ के बैठे हैं कि हमें शायद मनुष्य जन्म बहुत आसान से मिला है, पर नहीं। शास्त्र कहते हैं दुर्लभो मनुष्य देह देहेन खड़ो भंगुर तत्रापि दुर्लभम मन में कोई प्रिय दर्शन। इस संसार में दो चीज सबसे बड़ा दुर्लभ है, केवल दुर्लभ नहीं है सुदुर्लभ भी है। आगे चलते हैं बताए कहते हैं दुर्लभ हो मनुष्य देह देहेन खड़ो भंगुर। एक वस्तु जो आसानी से मिल जाए उसको हम क्या कहते हैं, बहुत सरलता से सहजता से प्राप्त होता है। और एक वस्तु बहुत मुश्किल से जब प्राप्त होता है उसको हम क्या कहते हैं, बहुत दुर्लभता के साथ वो वस्तु मुझे मिला है, बहुत प्रयास होता है। तो कहते हैं दुर्लभो मनुष्य देह, ये जो मनुष्य जन्म मिला है इतना आसानी से नहीं मिला है, बहुत मुश्किल से मिला है। उसमें भी क्या है, खड़ा भंगुर, थोड़ी दिन में ही नष्ट हो जाता है। कितने 6 साल 80 साल 70 साल 50 साल 10 साल को कोई तो माँ के गर्भ में भी मृत्यु बढ़ता है। इसलिए मनुष्य जन्म हमारे लिए सुलभ नहीं है। और क्या है, उससे भी दुर्लभ क्या है, वैकुंठ प्रिय दर्शनम। वैकुंठ प्रिय दर्शन मतलब जो वैकुंठ राज्य भगवान है उनके जो प्रिय भक्त, वो इस जगत में कभी भगवान के जीव के प्रति कृपा करने का इच्छा हो तो ऐसे वैष्णव लोग जगत में बहुत कम ही आते हैं। जैसे हम सुनते हैं श्रीमद् महाप्रभु जी आने से पहले समाज की ऐसी स्थिति थी कि वहाँ कोई भक्ति का नाम कुछ नहीं था। वहाँ पर लोग संसार में अपने मौज मस्ती में जीवन बीता, कदाचित कोई व्यक्ति कृष्ण गोविंद मुकुंद पुंडरीकाक्ष नाम लिया करते थे। ऐसी स्थिति था, तो ऐसी स्थिति में क्या वहाँ कोई गुरु वैष्णव भगवान परिकर में कोई सब मिल सकता है क्या, नहीं। उसी प्रकार कह रहे हैं कि वैकुंठ के जो भगवान के जो भक्त लोग हैं हमारे जैसे में, जिनके द्वारा भगवान इस जगत में धर्म प्रचार करना चाहते हैं, जिनके द्वारा जीवों का कल्याण करना चाहते हैं। आज देखिए, आज से 10 साल 15 साल पहले महाराज जी आने से पहले आज जो महल है क्या ऐसा स्थिति था क्या, इस महल को किसने बनाया, महाराज जी किसी दो चार व्यक्ति के उपलक्ष्य करके महाराज जी यहाँ आए। पहले उन्होंने भागवत कथा शुरू की, आज धीरे धीरे फल तो फूलते धीरे धीरे एक मठ भी हुआ है, आज ये कथा सुनने को मिलता है। ये किसके माध्यम से हुआ है आपके सामने बैठे, ये सब लोग जगत में बड़ा ही दुर्लभ है। देखिए जैसे कहते हैं ब्रह्मांड तारित शक्ति धारी जाने जाने, ये संसार को ब्रह्मांड को उद्धार करने के लिए ऐसे समर्थ वैष्णव है, और ऐसे वैष्णव भी संसार में बड़ा ही दुर्लभ है। जैसे हम जब मठ में आए थे, जैसे गुरुवर्गों को दर्शन किया है, सौभाग्य मिला है, ऐसे महापुरुषों का संग प्राप्त हुआ, लेकिन आज पूरा मैं अपने दृष्टिभूमि से देखता हूँ अंधेरा मुझे लगता है। जिन गुरुवर्ग को प्रभुपाद जी के परिकरों को दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, फिर उसके बाद हमारे गुरु जी गुरुवर्ग थे, गुरु जी का जितने गुरु भ्राता लोग इन लोग के द्वारा दर्शन करके सौभाग्य मिला है। उसके बाद राम जी के
उनके संग में रहने का सौभाग्य मिला है। क्या आज ऐसे ही संतों का बड़ा ही दुर्लभ होता है? साथ में से करें दर्शन पवित्र करें यही तो मन, जिनके दर्शन मात्र जीव का हृदय निर्मल हो जाता है, फिर उन्हीं के चरण में आने पर सौभाग्य प्राप्त होता है। क्या ऐसे महापुरुष ऐसे वैष्णव भगवान परिपक्व होते हैं? क्या भगवान को प्रिय भक्त क्या इतना आसानी से मिलता है? क्या हम अभी चाहते हैं कि क्या मैं अपने गुरु जी का भी है, जैसे हमने दर्शन किया था 15-16 साल पहले, ऐसे दर्शन संभव है? ये जड़ दृष्टि तो संभव नहीं है, कभी भगवान गुरु वैष्णव की कृपा से ऐसे साधारण भजन ऐसे कोई उत्तम अधिकार ऐसा कोई उन्नत अधिकार प्राप्त हो तो कदाचित कभी संभव हो सकता है, लेकिन है नित्य वस्तु है, गुरु वैष्णव नित्य वस्तु है, नहीं तो हमारा प्रकार कौन सुनता है? गुरु वैष्णव नित्य है, सुनते हैं, फिर भी उनके अपने प्रतिनिधि के रूप में यह छोड़ के जाते हैं, हम उन्हीं के सान्निध्य में प्राप्त करके कुछ हम आगे बढ़ सकते हैं। इसलिए गुरु वैष्णव इस संसार में बड़ा ही दुर्लभ है। साधु तो मिल जाएगा, कर्मी ज्ञानी कुकर्मी कुज्ञानी कुयोगी बहुत मिल जाएगा, लेकिन शुद्ध भक्ति करने वाले ऐसे मिलेगा क्या? नहीं, बड़ा ही दुर्लभ है। और ऐसे साधु संतों जो शुद्ध रूप से भगवान का भजन करने वाले व्यक्ति, ऐसे भजन करने वाले जो साधक साधिका है, वो भी बड़ा ही दुर्लभ है। आज सोचिए बड़ों में कितने लोग हैं, यहाँ असंख्य मंदिर है, लेकिन उस मंदिर में जाकर क्या भगवान के तरफ से मिलते हैं? कहीं तो देह के ऊपर चर्चा है, देह सर्वस्व है, कहीं तो संसार कर्म करो खाओ पियो मौज मस्ती करो, ऐसे ही बात भी है, लेकिन त्यागार शांति निरंतर शास्त्र में कहते हैं संसार में दो पंथा है, एक श्रेय पंथा है और एक प्रेय पंथा है। प्रेय आपात सुखप्रद है, संसार में आप खा रहे हैं पीने को मौज मस्ती में है, ये आपात सुखदायक है, लेकिन परिणाम में बड़ा ही दुखदायी है। लेकिन श्रेय मार्ग हमसे कल्याणजनक होता है, इस चीज को हमको कौन समझाता है? एक मात्र गुरु वैष्णव, लेकिन वो भी किसी सौभाग्य सौभाग्यवान को ही प्राप्त होता है। क्यों? शास्त्र में कहते हैं लब्धा सुदुर्लभमिदं बहु संभवन्ते मनुष्यम अर्थदम नित्यम अपि हतिरम तुरणम जते प्रपते अनुमृत्युजाः निःशेषाय विषय गुरु सर्वदस्य। यह संसार में विषय मतलब स्त्री पुत्र विषय संपत्ति खाना पीना आलिशान घर ये सब तो सभी जगह मिलता है, लेकिन मिलने पर भी भगवान का भजन करने का सौभाग्य नहीं मिलता। ना मिलने का कारण क्या है? ना मिलने का कारण एक ही है, हम संसार में कर्म करते हैं, हम मार्ग में ऐसे फंसे हुए हैं कि उसमें भी जीव का अपना अपना पूरा पूरा जन्म का जो संस्कार के अनुरूप जीव का रुचि उत्पन्न होता है, जीव वही कर्म बदला रहता है। तो इसलिए भगवान कहते हैं, भागवत में कहें कि लब्धा सुदुर्लभमिदं बहु संभवन्ति, ऐसे आदर्श गृहस्थ घर में जन्म लेना और भगवान की भक्ति करना, ऐसे मनुष्य जन्म मिलना बड़ा ही दुर्लभ नहीं है। लब्धा सुदुर्लभमिदं, ये जो मनुष्य जन्म हमें प्राप्त हुआ है केवल सुलभ नहीं है, दुर्लभ भी नहीं है, सुदुर्लभ है, यानी गॉड गिफ्ट है, जो भगवान कृपा करके हमको दिया है। वो भी कैसे? भारत भूमि जैसे पुण्य भूमि, जहाँ पर ऋषि मुनियों का तपो भूमि है, देवताओं का विचरण भूमि है, और भगवान की भगवान का लीला भूमि है, जिस भारत भूमि में देवतानों के जन्म लेने के लिए तरसते हैं, ऐसे भारत भूमि है। तो कहते लब्धा सुदुर्लभमिदं बहु संभवन्ति, बहु बहु जन्म के बाद ही ऐसे मनुष्य जन्म हमें मिलता है।
मनुष्यम अर्थतम, और इसी मनुष्य शरीर के द्वारा क्या है अर्थतम मतलब परमार्थ पद है, यानी भगवत साधन भजन करने का सौभाग्य मिलता है। इसलिए कहते हैं नरतनु भजनेर मूल, इस मनुष्य शरीर के द्वारा ही केवल भगवान को भजन साधन किया जा सकता है, ना कि कीट पतंग पुष्पों की जनियों में किया संभव संभव नहीं है। इसलिए कहते हैं कि ये मनुष्य जन्म कैसे दुर्लभ है, और हमें जब तक इस दुर्लभता का हमें कोई हम अनुमान नहीं लगा सकते तब तक हमें इस विषय में उतना उत्साह भी हमारा नहीं आएगा। हम सुना है, हम सुन रहे ठीक है, लेकिन दुर्लभता में अनुभूति नहीं है। इसलिए शास्त्र कहते हैं जलदार नवलक्षण स्थावरा लक्ष्य दुन सती फिर मयोरुद्र शंख का पक्षिनांग का सुलक्ष्य दो तीन से लक्षण पशम चतुर लक्षण। पहले हमारा जन्म हुआ कैसे, जलज प्राणी होकर, जल में वास करने वाले जितने प्रकार प्राणी हैं 9,00,000 प्रकार की हमारे जन्म पहले हो चुका है। स्थावरा लक्ष्य विंशति, स्थावर मतलब जो चल नहीं पाते हैं, वृक्ष लता गुल्म पहाड़ पर्वत होकर के ये हमारा 20,00,000 का पार हमारा जन्म हो चुका है। मयोरुद्र शंख का कृमि की ढोकर के 11,00,000 बार हमारा जन्म हो चुका है। पक्षिनाम का सुलक्षकम पक्षी कुल में 10,00,000 बार हमारा जन्म हो चुका है, और 30,00,000 पशव 30,00,000 पशु जन यानी चतुष्पद प्राण जिसके चार पाव से पशु कहा जाता है, ऐसे जन्म भी हमारा मिला है। लेकिन भगवान ये सब सृष्टि करने के बावजूद भी उनको संतुष्टि नहीं मिला। भागवत कहते हैं सृष्टि पुराणी विधन्न जायत असक्ता, तो भगवान इस प्रकार सृष्टि करने के बाद खगदंड सुख आदि जितने भी प्राणी जो हमने अभी लिस्ट बताया ये सब जन्म सृष्टि करने के बाद तो इस तरह अतुष्ट हृदय मुदमाप भी भगवान उनको संतुष्ट नहीं कि इनके साथ हमारे भाव का, हम तो सभी को भाषा तो सभी को दिया है लेकिन इनके साथ हमारे भाव का विनियोग नहीं हो सकता है। तो भगवान ने अपने रूप दे करके उन्होंने मनुष्य वस्तु सृष्टि किया। जैसे हम रूप शिक्षा में चैतन्य चैतन्य सुनने को मिलता है, उनको शैतान जी को महापुरुष जी बता रहे हैं कि वहाँ पर कितने प्रकार के प्राणी हैं, 3 प्रकार के प्राणी हैं, जरायुज उद्भिद और शेदज और अंडज, 4 प्रकार के। अंडज मतलब जो अंडा से जन्म लेते जैसे हंस हंस मुर्गा विविध प्रकार चिड़िया है ये अंडज है, और उद्भिद जैसे पेड़ पौधा लता गुल्म इत्यादि है, जरायु जब जो मातृ जरायु से जन्म लेते हैं जैसे गाय है बैल गाय है मनुष्य है ऐसे जो मातृ जरायु से जन्म लेते हैं जरायु से है। शेद जब पसीना से जैसे मस्तक में होता है ऐसे प्राणी ऐसा उत्पन्न होता है, लेकिन ऐसा होने के बावजूद भगवान को संतुष्टि नहीं है। तो भगवान ने अपने रूप दे करके मनुष्य वस्तु की सृष्टि किया है। देखिए दुर्लभ कहाँ पर है इस चीज को थोड़ा समझ में नहीं आता। भगवान ने पहले गोष्ठी को सृष्टि किया, कितने मनुष्य कितने संख्या है, ये जो हम जो लिस्ट बताए 84,00,000 का उसमें मनुष्य का संख्या सबसे ज्यादा है या नहीं, ज्यादा है ना है? कम है। कितना है, 4,00,000 है ना, और प्राणी 9 से नीचे कोई नहीं ऊपर है, लेकिन मनुष्य के लिए केवल 4,00,000 है। उस 4,00,000 में उनके 3 भाग में विभाग किया गया है। पहले गोष्ठी को भगवान ने जब सृष्टि किया उनसे पूछा गया कि आप नित्य आदर्श को मानते हो, अनंत ब्रह्मांड के जो प्रभु है जो सृष्टा है उस भगवान को मानते हो, वो एक साथ में वो कहते हैं हम किसी को नहीं मानते हैं, तो भगवान को मनुष्य बन के स्वीकृत नहीं किया। लेकिन मनुष्य सत्य है, लेकिन
मनुष्य को दूसरा गोष्ठी को सृष्टि किया है, वही एक ही प्रश्न किया गया है। तो उन्होंने बताते हैं हम थोड़ा बहुत नीति आदर्श मान सकते, लेकिन भगवान का हम इस किसी को हम भगवान नहीं मानते, भगवान ने उनको उनसे ज्यादा स्वीकृति नहीं दी। फिर तीसरा गोष्ठी को जब उन्होंने सृष्टि किया, उनसे पूछा गया क्या आप नीति आदर्श को मानते हैं और अनंत ब्रह्मांड के जो प्रभु है भगवान उन्हें मानते हैं? तो उन्होंने एक वचन में कहा है हम नीति आदर्श को नहीं मानते, भगवान उन्हें मनुष्य को कैसे दिया है। यहाँ बात ये आती है कि तो ये जो दो प्रकार की जिसको मनुष्य बोल के स्वीकृति नहीं दी गई है वो है कि मनुष्य है, तो फिर वो कौन है? जैसे शास्त्र में कहते आहार निद्रा भय मैथुन सामान्य पशु भी नाना, वो मनुष्य जैसे देखने तो मिलता है लेकिन वो पशु से भी गायब मिलता है, पशु जैसे ही है। इसलिए चैतन्य चरित में भी कविराज गोस्वामी कहते हैं मनुष्य आकार हुई लेकिन करो भूतेर काम, मनुष्य जैसे तो एक अवय हमको मिला है लेकिन हम क्या करते हैं पशु जैसे खाते पीते, बच्चा जन्म देते हैं फिर मर जाते हैं, हम ऐसे मनुष्य जन्म लेकर के ऐसे करते हैं। तो ये मनुष्य कैसे है, ये पशु जन्म में जाता है। तो मनुष्य किसको कहा गया है, जिसके अंदर में कुछ नीति आदर्श, नीति आदर्श मतलब धर्म का मूल्यायन जिसके अंदर में है। धर्म ही तत्त्वम भगवत प्रणीतम, ये धर्म भगवान से ही संसार में आए हैं, भगवान ने इस जगत में इसको प्रचार प्रसार करके जीव कल्याण के लिए इस जगत में धर्म को स्थापना करता और युग में रहा करता। तो ऐसे भगवान के जो भजन करते हैं वही मनुष्य कहलाते हैं। लेकिन यहाँ पर एक बात है, ऐसे जो आदर्श गृहस्थ घर में जिसने जिसको मनुष्य बोल के स्वीकृति दिया है उसमें भी कोई कर्मी ज्ञानी योगी तपस्वी कोई तो धर्म मुँह में मानता है लेकिन कर्तव्य में पालन नहीं करते हैं, हैं? ऐसे भी चैतन्य इस चीज को बहुत सुंदर रूप से समझाया गया है। तो बताए ऐसे व्यक्तियों में जो कोई व्यक्ति उठ करके करोड़ों करोड़ों में से कभी उठ करके ऐसे शुद्ध गुरु वैष्णव के सान्निध्य में आए, ऐसे मनुष्य जन्म कितना दुर्लभ है अंदाजा लगा सकते हो? हम जितने भी लोग यहाँ आते हैं सुनते हैं क्या इतने आसानी से हमें ऐसे मनुष्य जन्म मिला है? यहाँ बड़ोपति इतने सारे लोग हैं, कोई लाख लोग के निवास है यहाँ पर, गिने चुने कितने, मुश्किल से 100-150 लोग शायद इसी लाइन पर आए हैं। तो इसलिए कहते हैं ये जो लब्धा सुदुर्लभ एकदम बहुत संभव थे, ऐसे ही मनुष्य जन्म आदर्श गृहस्थ घर में जन्म मिला है बहुत कम लोग हैं। आज हमें तो किसी विदेशों में ऐसे क्रिश्चियनिटी है मुसलमान जमन जिसको बिल्कुल से कहते हैं ऐसे देश में हमारा जन्म नहीं मिला जहाँ पर कोई वर्ण व्यवस्था नहीं है। यहाँ तो हमें चार वर्णों में हमें वैश्य चार वर्ण है, ये चार वर्ण ही व्यक्ति ही भगवान भजन कर सकता है, ऐसे साधु संग हमारा तो परम सौभाग्य है कि हमें ऐसे साधु संग मिला है। इससे समझना चाहिए कि हम बड़ा ही सौभाग्यवान सौभाग्य व्यक्ति है। इसलिए भगवान इसलिए कहते हैं कि ये जो भागवत कथा सुनने के जो मिला है ये बहु जन्मों का भाग्योदय होने पर, भाग्योदय होने का मतलब षष्ठ स्कंद भागवत में भी आगे कथा आएगी और अभी उपाख्यान में वहाँ कहते हैं कि ये भाग को तैयार करना पड़ता है। जैसे हम कोई काम के लिए हम बहुत प्रयास करते हैं लेकिन प्रयास करने के बावजूद भी हम उसमें सफलता नहीं मिलती है, क्या करें हमने बहुत प्रयास किया नहीं मिला मेरा दुर्भाग्य, इसका मतलब क्या हुआ? कहते हैं भागवत में षष्ठ स्कंद में भागवत खुद अपने हाथ से उसको करना पड़ता है। जैसे उदाहरण से बताया जा सकता है, जैसे हम जितने लोग भी यहाँ बैठे कथा सुनते हैं वो हरिनाम कीर्तन लिए हैं, ये समझ लीजिए कि हम पिछले जन्म में ऐसे हमने कुछ किया है। जैसे शास्त्र में कहते भक्त भगवत भक्त संगे न पर जाते कुंभीर शुक्र तो पूर्व संचित, पिछले पिछले जन्म में ऐसे साधु संघ में आ
करके हमने थोड़ी थोड़ी कभी ठाकुर जी के मंदिर में आया, मंदिर परिक्रमा के प्रणाम किया, ठाकुर जी के लिए कुछ दक्षिणा हमने सेवा के लिए दिया है, कभी कोई ऐसे साधु संत को भी घर खोल गए हम तो उनको कुछ भिक्षा दिया है, ऐसे करते धीरे धीरे सूत्र थी थोड़ी सी संचित हुई, मैंने संचित किया है, फिर वही स्वीकृति धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते जब गाढ़तर होता है बृहद रूप धारण करता है, तो भगवान अंतर्जामी रूप में उन्होंने ऐसे ही साधु के पास भेज देते हैं, ये भगवान की बड़ी कृपा है, ये कहते हैं पहले गुरु की कृपा है या भगवान की कृपा है, कहते हैं भगवान चैत्य गुरु के रूप में हमारे हृदय में है, उन्होंने प्रेरणा दे करके ऐसे ही साधु संग में भेजते हैं, फिर उन्हीं साधु के चरण आश्रय करते हैं, उन्हीं गुरु की कृपा से पूर्ण रूप से भगवान के सेवा करते हैं, तो इसलिए मनुष्य जन्म कितना दुर्लभ है हम तो ऐसा अंदाजा लगा सकते हैं, ठीक है ना, तो इसलिए बहु जन्म के भाग्य उदाहरण पर तब हमें ऐसे ही भगवान की कथा सुनने को सौभाग्य मिलता है, क्योंकि भागवत ऐसे शास्त्र है जो हर किसी के सुनने के सौभाग्य नहीं होता, भागवत केवल भगवान के प्रदान करने वाली कथा है, संसार से जीव को उद्धार करने के लिए भागवत ही एकमात्र समुद्र सेतु, जैसे नदी को पार करने के लिए जैसे उसको पुल बनाया जाता है, ये भाव संसार रूप समुद्र को पार करने के लिए एक श्रीमद् भागवतम एक सेतु स्वरूप है, पुल स्वरूप है, इन्हीं का आश्रय लेकर के हम ये संसार से उद्धार हो सकते हैं, ऐसे ही गुरु वैष्णव के चरण आश्रय लेते ही भगवान के समर्पण करते हुए भगवान को हजर करते हम भगवत धाम जा सकते हैं, इस कथा के साथ आपके बारे में पंचाकल वास पतिता दन पावन जो ओम नज्ञानतमिरां दस्य जानाशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः गुरवे गौरचन्द्राय राधिकाय यैस्तताले कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः श्रीकृष्णचैतन्य प्रभुनित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृन्द सबका हाथ उठा के बोलो बोलो हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 और जोर करके हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे गौर ब्रह्मानंदे हरि हरि बोल। सर्वप्रथम मेरे गुरुपाद पद्म निधिलीला प्रविष्ट विष्णु पाद अष्टोदर सदश्री श्री श्रीमद भक्ति श्री सिद्धांत गोस्वामी महाराज के चरण कमलों अनंत कोटि साष्टांग प्रणाम करता हूँ। तत्पश्चात मेरे शिक्षा गुरुपाद पद्म निधिलीला प्रविष्ट भक्तिवेदांत नारायण गोस्वामी महाराज निधिलीला प्रविष्ट भक्तिवेदांत वामन गोस्वामी महाराज के चरण सरज में श्रद्धा पुष्पांजलि अर्पण करता हूँ। उपस्थित समस्त वैष्णव वैष्णवियों को यथाजुद्ध प्रणाम करता हूँ। हरे कृष्ण। किसने प्रभुपाद को प्रश्न किया है, मठे की कृष्ण संकीर्तन अग्नि सर्वक्षण प्रज्वलित रखते हवे, बुझते इसलिए किसने प्रभुपाद को प्रश्न किया है, कहते मठ में क्या कृष्ण संकीर्तन रूपी जो अग्नि है क्या हर समय जलते रहनी चाहिए, मतलब मठ में हर समय क्या भगवान का कीर्तन कथा होनी चाहिए कि नहीं, तो प्रभुपाद कहते निश्चय, कहते निश्चित रूप में हर समय मंदिर में भगवान का कीर्तन कथा, तब तो यही तो शोभा है, जैसे अभी जन्माष्टमी हो रही है सब भक्त लोग आ रहे हैं कीर्तन कर रहे हैं नाच रहे हैं प्रसाद है भरे, इसलिए प्रभुपाद कहते निश्चित रूप में यही तो होनी चाहिए मठ में, बोले प्रत्येक मठे कृष्ण संकीर्तन रूपी अग्नि निरंतर प्रज्वलित था जुबे, कहते मठ मतलब क्या है, कहते मठ पठंती वसंती जत्र छात्रा,
जहाँ पर पारमार्थिक जो छात्र जहाँ पर एकत्रित होकर क्या करते हैं, हर समय कृष्ण का कीर्तन भगवान की कथा निरंतर चलती रहनी चाहिए। इसलिए मैं जो मथुरा में आया पहले, हम देखा था गौड़ी मठ में कहीं एक दिन में एक बार कहीं कथा होता है, वहाँ पर हमने देखा दिन में तीन तीन बार कथा होता है। कहीं गुरुवर्ग का तिथि आ जाए ना, हम देखा महाराज से चार चार बार कथा करते हैं। जैसे अभी सवेरे कथा हो गई, फिर दस बजे फिर दो बार बैठते थे, फिर शाम को चार बजे और रात को फिर आरती के बाद में। मतलब मैं वहाँ पर देखा कृष्ण कथा भी नदी की मंदा की तो वहाँ पर नित्य निरंतर बहती रहती, हर समय कथा की मंदागिनी की नदी प्रवाहित हुआ करती थी। कथा जिन कखन निर्वाह भी ना हो, प्रभुपाद कहते हैं कि जो कथा भी जो अग्नि है ये कभी बुझनी नहीं चाहिए, हर समय भगवान की कथा कीर्तन चलनी चाहिए। कभी जेदी के तीव्र दृष्टि रखते हवे हैं, कहते कि किस तरफ में हमारी दृष्टि रहनी चाहिए मंदिर में, कहते भगवान कथा कीर्तन हर समय इसका प्रति हमारी जो तीव्र दृष्टि, मतलब हर समय हमारी दृष्टि उसी का तरफ में रहनी चाहिए। मठे काम बा इंद्रिय तर्पण कौन गंध थाकबे ना, यहाँ पर कहते जब हर समय हम भगवान का कीर्तन कथा में हर समय हम अगर निमग्न में रहते हैं फिर इसको तरह क्या होता है, कहते जब मठ में जो अपना इंद्रिय तर्पण है अपना काम है कहते फिर तो इसमें कहाँ रहे। जब कृष्ण कीर्तन हर समय प्रभु का कीर्तन भजन हो, तुम्हारे समय कहाँ इधर उधर चिंता करने की, तुम्हारी समय कहाँ गंदी गंदी चीज के प्रति जाने का, समय नहीं तुम्हारे क्योंकि हर समय कथा कीर्तन में हर समय डूबे रहते हैं। इसलिए राधा गोविंद रे परिपूर्ण इंद्रिय तर्पण ही सर्वपरि विजय लाभ करे। अगर हम हर समय विजय प्राप्त करना चाहते हैं, हर समय जीवन अपना का जीवन को सक्सेसफुल करना चाहते हैं, अपना जीवन को विजय प्राप्त करना चाहते हैं, फिर कैसे होगा, तो प्रभुपाद कहते हैं हर समय हमें ये कोशिश करनी चाहिए श्री ठाकुर जी की है सेवा कैसे हो, हम भगवान को कैसे खुश कर सकते हैं, उनको खिलाना, उनका श्रृंगार करना, उनकी कथा में उनका कीर्तन में हर समय अगर हम भगवान के लिए अगर सतत चेष्टा करेंगे ना, अगर भगवान अगर खुश हो जाए हम अपने आप खुश हो जाएंगे। अपने आप के लिए कुछ भी करने का जरूरत है, कुछ भी नहीं करने का जरूरत है, श्रृंगार करके ठाकुर जी को भोग लगाए कर ठाकुर जी को सजाए कर ठाकुर जी को कथा करके ठाकुर जी को बस ठाकुर जी की जय जयकार तुम्हारी अपने आप जय जयकार होगा। जैसे जो व्यक्ति देखना जो ठाकुर को पूजा करता है ना, अब देखना जैसे अगुर परपुर चंदन से ठाकुर को श्रृंगार करता है, हैं ठाकुर को श्रृंगार करता है, ठाकुर को करते करते अपने आप से बहुत सैल्यूट लग जाते हैं अपने आप ही। अब देखना जो पुजारी सुंदर सुंदर सेंट अगुर चंदन से ये करता है, जब मंदिर से निकलता है ना उसको सैल्यू से भी बड़े सुंदर खुशबू निकलती है, बड़े सुंदर। जैसे जो मटकी है, हैं जिस मटकी में पानी रहती है, जैसे मिट्टी का मटकी उसको पकड़ पकड़ कर पानी डालते हैं, फिर ना वो मटकी भी धीरे 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 मटकी भी सुगंधित हो जाती है। अगर हम हर समय ठाकुर जी का कीर्तन भजन उनका नाम करके रहे ना, बस जय अपना जय ढूंढने की कोई जरूरत नहीं। जैसे हमारे गुरुदेव का कितने उन लोगों ने थोड़ी अपना जयकार कहीं बताया है, अपना जयकार थोड़ी कहीं बताया कोई बताए नहीं, बल्कि कभी उनका जय उनको सामने देने पर वो मना करते थे, बोले तो मेरे जय देने का जरूरत नहीं, हमारी गुरु परंपरा की जय दो और ठाकुर जी के जय दो हैं, बोले तो जय दिले जय हवे जय दाओ जय दाओ। जब हम भगवान की जयकार देते हैं कहते अपने आप तुम्हारी जय, अपने आप तुम्हारी जय जयकार हो जाएगा। हमारे गुरुवर्ग का इतने नाम क्यों है, इसलिए इनका जगत में नाम है, भजन करते हैं भगवान कथा का प्रचार करते हैं, किसकी कथा प्रचार करते हैं, ठाकुर की कथा प्रचार करते हैं, गुरुवर्गों का कथा और अपने आप इनकी जय जयकार हो जाते हैं, अपने आप जय जयकार हो जाते हैं। इसलिए अगर कोई व्यक्ति अगर हर समय सोचेगा मेरी पूजा होनी चाहिए, मेरी सेवा होनी चाहिए,
मेरा जय जयकार होना चाहिए, उनको जरूरत फिर कोई नहीं पूछते, हमने देख लिया अपना जीवन में। लेकिन हर समय जो गुरुवर्गों का ठाकुर जी की जय में लगेगी उसका ही हर समय जय जयकार उसको होगा। इसलिए प्रभुपाद कहते हैं अगर राधा गोविंद का परिपूर्ण इंद्रिय तर्पण सर्वोपरि विजय लाभ करे, जो भगवान की इंद्रिय तर्पण करने के लिए हम कोशिश करते हैं तद हर समय वही विजय प्राप्त करता है। कदे संकीर्तन रूपी अग्नि चेत दर्पण मार्जनमयी शिखा मठे प्रज्वलित नाथ अखिले परस्पर मध्य मन मालिन छिद्रान स्वयं कपटता मत्सरता विद्वेष प्रभुति अनर्थ से आमंत्र चित्त के कलुषित कर फैलवे तत्फले भव महादापना दावाग्नि उत्तर उत्तर वृद्धि होते थाटवे। बुझते बात से समझ रहे ना प्रभुपाद क्या कहते हैं? हाँ, देखो अगर हर समय हम भगवान का कीर्तन भजन में हर समय हम लगे रहते, ये कीर्तन अग्नि अगर हर समय अगर जलता रहता होगा तो क्या होगा? जितना हम भगवान का कीर्तन भजन में हम लगे रहेंगे हमारे चित्र भी जो दर्पण जो शीशा वो अपने आप साफ हो जाएगा। इसलिए कोई कहते ना अरे ये माया है, ये चीज़ को छोड़ो, ये माया ये चीज़ को छोड़ो, ये माया ये चीज़ को छोड़ो। हमारे गुरुवर कहते ना छोड़ना नहीं, हर चीज़ को जोड़ो, हर चीज़ को जोड़ो। उन्होंने उदाहरण देकर समझाए, जैसे तुम्हारी पैर में कोई कांटा चुभ गए, जो कांटा चुभ गई उसको निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? और एक कांटा ले आओ ना, और एक कांटा ले आओ, बस एक कांटा से दूसरे कांटा को निकाल दो, हो गया क्या काम? काम कर लिया। तब उदाहरण देते हैं, अभी हमारे हृदय में एक माया रूपी कांटा गड़ गई है, माया रूपी कांटा गड़ गई। अभी वो माया रूपी कांटा को निकालने के लिए और एक कांटा लगाओ, और एक मतलब किसका कांटा? ठाकुर की कांटा लगाओ। माया तो कांटा गड़ गई, एक ठाकुर जी की कांटा निकाल लगा दो, पास वो निकल जाएगा। जैसे देखो अब कितने बजे उठे हो? 4 बजे उठे हो, 4 बजे उठे हो। अभी कितना समय हो रहे? 6:30 बज रहा है। लेकिन उसी समय मंदिर में आरती ले जाए, मंदिर में आरती में ठाकुर दिमाग वही बैठा है ना, वही बैठा है ठाकुर का आरती। फिर आए चलते चलते मन मन में भावना किया ठाकुर का आरती का टाइम पर पहुँच जानी चाहिए, सोचते यहाँ पर आरती देखे, फिर आरती किया, फिर कीर्तन किया, उसके बाद फिर कथा में बैठी गई है, फिर कीर्तन में बैठ गए। इसलिए जैसे यहाँ पर तो हमारे रूप सनातन मठ में जैसे है, वहाँ पर तो 1 घंटा बैठ कर सब सब कीर्तन करते हैं, 1 घंटा हरिनाम जप करते हैं, अपना गुरु मंत्र जप करते, फिर 1 घंटा फिर कथा होती है, कितना हो गया? 3 घंटा हो गया। इसलिए वहाँ 9 बजे तक कहीं हिलने डोलने के लिए भी समय नहीं, ऐसे पूरा के पूरा ऐसे वहाँ पर जो प्याकी पूरा नियम प्याकी पूरा, कोई इधर उधर चिंता करने का नहीं। 4 बजे उठे तो 9 बजे तक पूरा के पूरा एकदम प्याकी की कहीं पास हो गया। अगर तुम्हारी समय अगर प्रभु का भजन में चले गया तो माया को छोड़ने का कोई जरूरत नहीं, छोड़ो छोड़ो नहीं, कोई छोड़ने का कोई जरूरत नहीं, क्या करो? जोड़ दो जोड़ दो। इसलिए प्रभुपाद यहाँ कहते हैं यदि ये संकीर्तन रूपी अग्नि, ये कृष्ण कथा रूपी अग्नि अगर ये हर समय जलते रहे तो क्या होगा? तब जो चेत रूपी जो दर्पण है वो अपने आप साफ हो जाएगा। हैं अगर भगवान की कथा नहीं हो, भगवान का कीर्तन नहीं हो, समय को तो हम कहीं ना कहीं लगाएंगे, कहीं ना कहीं लगाएंगे ना समय को, फिर कहाँ लगाएंगे? कहते फिर आपस आपस में लड़ाई झगड़ा हो जाएगा, आपस आपस में मन वाली हो जाएगा लड़ाई झगड़ा, फिर क्या करेंगे? फिर दूसरे को दोष देने लग जाएंगे, देखो हमको व्यक्ति ये कर रहा है, उसने ऐसे कर रहा है, देखो हमको व्यक्ति आ गया। इस तक समय मिलेगा, जब समय मिलेगा दूसरे का तो छिद्र देखेंगे। जिन्हें गुरुदेव उदाहरण देते जैसे चालनी होता है ना, जैसे आटा चला दे छलनी, यो जो सुई है उसको कहते हैं देख तेरे पीछे की छेद है, हाँ तेरे छुतर में तेरे पीछे की छेद है। तब वो सुई कहता है मेरे तो एक छेद, तू देख तेरा पीछे कितना छेद है,
ये तो तब मेरे एक छेद को तू देख रहे हो, लेकिन तू तो देख ले तेरे पीछे कितना छेद, अपना छेद को तो मैंने देखो, मेरे छेद भी तू देख रहे हो। इसलिए तब हमारे गौर किशन दास बाबा जी महाराज कहते हैं, बोले पर छिद्रान सन परिवर्ते, अपना गलत गुली दूर परिवार चेष्टा करिए। मतलब है दूसरों को दोष देखने से पहले अपना अंदर में क्या दोष है, ये पहले ये दोष को दूर करने के लिए हमें कोशिश करनी चाहिए, हैं कोशिश करनी चाहिए। इसलिए यहाँ प्रभुपाद कहते हैं, अगर हर समय हम भगवान की चिंतन, भगवान कथा में अगर हम लोग लगे नहीं रहेंगे तो फिर क्या होगा, फिर दूसरों का छिद्र देखेंगे, फिर हृदय में कपटता आएगा, फिर हृदय में मत्सरता आएगी, फिर विद्वेष से अनर्थ आकर के हमारे चित्त को कलुषित कर देगा, हैं। तब फले भव महादाबाग्नि उत्तर उत्तर वृद्धि होता है। जब हम दूसरे को दोष कपटता करेंगे फिर क्या होगा, अपना हृदय में आग जलना शुरू हो जाएगा, दूसरे का हृदय में नहीं। हम लोग दूसरों को दोष देखते हैं तो किसकी हृदय में आग जल रहा है, अपना हृदय में आग जल रहा है, अपना हृदय में। इसलिए प्रभुपाद कहते भैया ये सब चीज को छोड़ कर क्या करो, हर समय भगवान का कीर्तन भजन में लगे रहो, बस अपने आप हमारे हृदय की अग्नि बुझ जाएगी। बोले संकीर्तन रूपी अग्नि मठे वो हृदय अनुखन प्रज्वलित ना था भवे मूलोत्पाटन वो तहार चरम फल प्रेमा लाभ हवे ना। कहते भगवान के प्रति हमारे प्रेम कब होगा, ठाकुर का प्रति हमारी प्रेम कब जगेगा, है कब जगेगा। बोले कृष्ण संकीर्तन रूपी अग्नि अगर हर समय प्रज्वलित नहीं रहेगा, है प्रज्वलित नहीं रहने पर क्या होगा, जो भव सागर का जो मूल उत्पाट है, मतलब जैसे कोई वृक्ष होता है ना, अगर उसका जड़ से अगर उसको उखाड़ दिया फिर क्या होगा, फिर वो पेड़ होने का कोई संभावना नहीं। उसी तरह जो संसार रूपी जो भव महाकाबग्नि जो हमारे हृदय में जो जल रहा है, तरह तरह का दुख कष्ट में हम जो पड़े हुए हैं, हैं हम लोग जो पड़े हुए दुख कष्ट का, ये दुख कष्ट जड़ से कब खत्म होगा, जब हर समय हम भगवान का नाम संकीर्तन करेंगे। इसलिए भक्त मनोहर ठाकुर कहते हैं कि हरि नाम कैसे करनी चाहिए, मतलब अपराध दूर करें, अपराध को छोड़ कर करनी चाहिए। लेकिन अपराध कैसे दूर होगा, कैसे दूर होगा, बल्कि अपराध तभी दूर हो सकता है कि अगर 24 घंटा में 24 घंटा अगर कोई व्यक्ति हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, जोर से बोलो, बोले हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। अगर हर समय प्रभुराम नाम जप करते रहेंगे, हमारे कोई समय नहीं इधर उधर चिंता की, बस कहते पूरा के पूरा जड़ समय उसको हम निकाल करके हम फेंक सकते हैं। इसलिए यही संकीर्तन रूपी अग्नि कहते जावतीय अन्याभिलास कर्म ज्ञान जो व्रत ताप प्रवृत्ति सकल के भस्म साफ करे सर्वपरि विजय लाभ करेंगे। देखो प्रभुपाद कितने, अगर एक चीज को पकड़ लिया हमारे मंगल हो जाएगा, है हमारे कल्याण हो जाएगा। प्रभुपाद कहते हैं कि जो संकीर्तन रूपी अग्नि ये क्या करेगा, कहते हमारी हृदय में जो अन्याभिलाष है, भगवान की भक्ति को छोड़ करके जो अपना भोग की जो विवास है, अगर हर समय ये कीर्तन कोई करेगा तो क्या होगा, कहते हृदय की अन्याभिलाषता खत्म हो जाएगी। और जो ज्ञान जो योग व्रत तप ये जितने हैं सब के सब जल करके राख हो जाएगा, कुछ भी नहीं रहेगा, सब जल करके राख हो जाएगा। कहते फिर क्या होगा, बोले सर्वपरि विजय लाभ कर दे, ये भगवान का जो नाम कीर्तन अगर हर समय करे, हर समय तुम्हें जय जयकार होगा, कभी तुम्हें पराजय कभी कहीं नहीं होगा, है। इसलिए बोले कुमेधा गणई अन्न साधन वो साधेर स्वीकार करें, किंतु सुमेधागण संकीर्तन रूपी यज्ञ महाप्रभु आराधना कर था के। यहाँ कहते
दो तरह के व्यक्ति है, कहते एक कुबेधा और एक सुबेधा है, इसलिए कर रहे हैं कृष्ण वर्णा, कृष्ण वर्णा दिशा अकृष्णा, उसके बाद कब से ये श्लोक याद कर रहे हैं, सांग बांग अस्त्र पार्षद यज्ञ संकीर्तन प्राय जजति ही सुमेधा। इसलिए भागवत में बताए नव योगेंद्र क्या कह रहे हैं, कलयुग में कहते उपास्य केवल चैतन्य महाप्रभु, और उनको प्राप्त करने का केवल एक उपाय है, कहते जो व्यक्ति सुमेधा व्यक्ति, सुमेधा नहीं, जो सुमेधा व्यक्ति उनको कैसे आराधना करते हैं, बोले संकीर्तन रूपी यज्ञ के द्वारा उनको आराधना करते हैं ये सुमेधा गण। इसलिए कहते जो कुमेधा गण वो क्या करते हैं, दूसरे दूसरे साधन, दूसरे दूसरे साधन के लिए कोशिश करते हैं, लेकिन जो सुमेधा गण है बोले कोई साधन नहीं करते हैं, केवल एक साधन करते हैं, क्या है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अगर ये हरि नाम करेंगे तो क्या होगा, बोले कृष्ण संकीर्तन होने से सत्यजु का जो युग धर्म था, सत्यजु का क्या युग धर्म है, सत्यजु में कौन सा धर्म जाने करके ध्यान, यदि आप संकीर्तन करेंगे ये ध्यान अपने आप हो जाएगा, अपने आप हो जाएगा। तृतीय युग में यज्ञ महायज्ञ, द्वापर युग में अर्चन। प्रभुपाद कहते हैं जो हरिनाम कीर्तन करेगा तो सब कुछ अपने आप हो जाएगा, यज्ञ हो जाएगा, अर्चन हो जाएगा, ध्यान भी इसी से ही हो जाएगी। इसलिए संकीर्तन व्यतीत राधा गोविंद वृंदन श्री चैतन्य महाप्रभु सेवा है ना, इसलिए हरिनाम संकीर्तन के बगैर महाप्रभु का कोई भी सेवा नहीं होता है। इसलिए महाप्रभु जो कुछ करते थे हाथों में सेवा और मुंह में नाम करते थे महाप्रभु, इसलिए केवल अर्चन द्वारा राधा गोविंद सेवा है ना, इसलिए केवल जो अर्चन करते हैं लेकिन ठाकुर का नाम जप नहीं करते हैं, नहीं, इसलिए अर्चन करते समय मंत्र पढ़ कर करते हैं, बस हाथ में अर्चन करो, कहते अगर कोई भी मंत्र तुम नहीं जानते हो केवल ये हरे कृष्ण महामंत्र से सारे ये हो जाते हैं, हरे कृष्ण सारी पूजा इसी से ही हो जाता है, अगर तुम कोई मंत्र पता नहीं तो, लेकिन मंत्र द्वारा करना अच्छा है, लेकिन अगर किसको तुम पता नहीं हरिनाम कीर्तन से सारे तुम हरिनाम करते रहो और ठाकुर की सेवा करते रहो। ऐ जने महार्चन कृष्ण कीर्तन विशेष आवश्यक, इसलिए प्रभुपाद कहते हैं कीर्तन जरूर जरूरत है, इसलिए ताई महाप्रभु शिक्षास्त्र कर प्रथम ही परम विजय ते श्री कृष्ण संकीर्तन एक कथा बोले बोले छे। इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु ने क्या किया, उनका जो शिक्षास्त्र उन्होंने कोई भी ग्रंथ नहीं लिखे, शिक्षास्त्र लिखे और लास्ट में क्या कहते हैं, परम विजय ते श्री कृष्ण संकीर्तन, ये हरिनाम संकीर्तन की विशेष विशेष रूप में जय जयकार हो, बोले श्री हरिनाम संकीर्तन की जय, बोले सचिनंदन गौर हरि की जय, निताई गौर ब्रह्मानंदे हरि हरि।